Hello, very good morning my dear students. How are you? I hope you are well at home and studying well. मेरे को पता है आप घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और कोई भी घर से बाहर बेटे बिना किसी काम के मत निकलिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है. बेटे एक बार बीमार हो गए ना बहुत मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बहुत इंजेक्शन लगते हैं. उस पेन से अच्छा आप घर में रहिए, अच्छे से बैठ कर अपना वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए. ओके बेटे, हमने चैप्टर जो है कंटिन्यू करना है डेली. उसका आज अपना ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो बेटे कल हमने इसके ओल्ड मोनूमेंट और पार्लियामेंट और बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना. जैसे ओल्ड मोनूमेंट कौन से हैं, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, पुराना किला है, इस टाइप से. आज हम नेक्स्ट रीड करेंगे जो क्या है, रिलीजियस प्लेसेस. इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस. यस बेटे, ओपन योर बुक पेज नंबर 216 और 17 पे हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, खोलिए बेटे सबने बुक. अच्छे से समझना है आपने, मैं आपसे सुनूंगी जब आप क्लास में आओगे. ऐसे मत समझना कि नहीं सुनेंगे मैम. ओके, इट हैज ए नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस. क्या है, दिल्ली में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं. सम ऑफ दैम, बिरला मंदिर है जिसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर. अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल है, जामा मस्जिद है, बंगला साहिब है. बेटे बंगला साहिब पता क्या है, गुरुद्वारे का नाम है. ओके, एंड शीशगंज गुरुद्वारा है, सेंट स्टेफन चर्च है, ये सैक्रेड हर्ट है. ये सब रिलीजियस थिंग्स हैं, रिलीजियस प्लेसेज हैं. सॉरी, थिंग्स नहीं, प्लेसेज हैं. ओके, आपने माइंड में रखना है इन चीज़ों को. आप इसमें देख भी सकते हो, ये देखो अक्षरधाम बना हुआ है ना, कितना अच्छा टेम्पल है ना. देखो, कभी जाना तो देखना, नहीं तो अपने यूट्यूब में आप सर्च करना, गूगल पे, आपको अच्छे से दिख जाएगा. और उससे रिलेटेड आप लिख भी सकते हो, कोई भी कुछ भी आपको नया मिलता है उनको लिखना, फिर मेरे को बताना कि मैम हमने ये फाइंड किया. देखो लोटस टेम्पल में क्या कुछ देखने के लिए है, बिरला मंदिर में क्या कुछ देखने के लिए, इस टाइप से. ठीक है, यस बेटे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 2017. यस प्रवीत, पढ़ा करो बेटे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पर आप खेलने में ध्यान दे रहे हो, है ना. आप बुक में ध्यान दीजिए. इट हैज समाधि ऑफ सम ग्रेट इंडियन लीडर. क्या है, वहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे ग्रेट इंडियंस लीडर. ग्रेट इंडियंस लीडर क्या होते हैं, महान नेता जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी समाधि बनी है. मीन्स जब उनकी, जैसे जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी याद में, जैसे अब उनका वो डे आता है तो वहाँ पे जाके जो दूसरे नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि देते हैं. उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन वास सकते हैं. ठीक है, राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, होम वी आर फादर ऑफ द नेशन. हु इज द फादर ऑफ नेशन, यस बच्चे टेल मी, बताइए हु इज द फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन, हु इज द फादर ऑफ नेशन, कौन है हमारे राष्ट्रीय पिता, कौन है बताइए. वेरी गुड अनमोल, महात्मा गांधी जी, शाबाश. पढ़ते हैं बच्चे घर पे, वेरी गुड, बता रही है उनको, पता है ना. शांति वन इज द समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विजय घाट इज द समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. शांति वन समाधि किसके बेटे प्रवीण, किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की. शाबाश, वेरी गुड. अच्छे बच्चे हैं, ध्यान देते हैं ना जब मैम पढ़ाती है. और विजय घाट समाधि किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की. अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेज ऑफ विजिट इन दिल्ली, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेज हैं जो दिल्ली में देखने के लिए हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं. लाइक आपको पसंद आते हैं, जूलॉजिकल पार्क है, नेहरू प्लेनेटेरियम है, डोज म्यूजियम है, रेल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, पर घाटी मैदान है. बेटे इन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए और आपने अपनी बुक के नोटबुक के ऊपर आपने राइट करना है, लिख के इंटरेस्टिंग प्लेसेस विजिट इन दिल्ली. फिर 1 नंबर पे लिखोगे आप जूलॉजिकल पार्क, फिर लिखोगे नेहरू प्लेनेटोरियम, डोल म्यूजियम, रेल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, प्रगति मैदान. जब भी मैं आपको लेसन में रीड करवाती हूँ आप अपने पास एक नोटबुक जरूर रखा करिए. ओके, जो मैं आपको थिंग्स बताती हूँ वो उनको साथ साथ आप राइट करा करिए. ओके,
Delhi has a big shopping center like Connaught Place, Palika Bazaar, Chandni Chowk, Karol Bagh, Kamla Nagar. Many malls have made shopping the pleasure in Delhi. क्योंकि अपने कहीं भी जाएं ऐसे तो नहीं है कि आप बस देख देख के आ जाए और कोई चीज ना ले लोगे ना अपने मम्मी पापा के साथ जाओगे लोगे ना ये देखो बोल रहा है ये मोहित कह रहा है हाँ मैं तो लूंगा है ना हाँ मेरे को पता है आप तो लोगे तो वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे जो बहुत ही देखने लायक है मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड इन दिल्ली दिल्ली हैज सक्सेसफुल होस्टेड बेटे इंटरनेशनल और सक्सेसफुल को अंडरलाइन कीजिए आप इनके स्पेलिंग लर्न करोगे होस्टेड एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम वहाँ पे क्या है दिल्ली में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट मतलब ये सब वहाँ पे किए जाते हैं जैसे कि एशियन गेम्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2010 में हुई थी बेटे जो कॉमनवेल्थ गेम थी यस बच्चे नाउ अवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीट मेरे को सब पता है कि आपने अच्छे से इस चैप्टर को सुना होगा मेरे को पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं तो आपने अच्छे से इसको करा हुआ चलो मैं कुछ पूछती हूँ आप मेरे को बताना दिल्ली इज स्टेटेड द बैंक ऑफ रिवर टेल मी कमल बताइए यमुना वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया गेट रेड फोर्ट यस गेटवे ऑफ इंडिया क्योंकि वो कहाँ पे है मुंबई में है इस टाइप से बेटे आपने अच्छे से पढ़ना है अच्छे से इसको ध्यान से केयरफुली सुनना है तो आपने बेटे अपनी बुक के अंदर टिक दी क्रैक फिलिंग दी ब्लैंक ट्रू फॉल्स मैच जो भी बुक एक्टिविटी है फाइंड आउट करके आपने क्या करना है अपनी बुक के ऊपर राइट करना है थैंक यू बेटा हमें